काउट करो पीछे। मैं गाइस यहाँ से डर रहा हूँ, ये देखो यहाँ से अगर नीचे गए ना भाई कुछ नहीं मिलेगा। आप देखो आई लव गुलमर्ग, तो यहाँ पे फोटो शोटो लेंगे एंड व्यू देखो भाई ना, व्यू पॉइंट है। तो दानिश भाई सामने आ गया। गाइस ये देखो भाई क्या ही तबाही सीन है, देख रहे हो जबरदस्त लोकेशन है भाई। सुबह सुबह गुलमर्ग के नजारे चेकआउट कर लो। बाकी ये भाई ना मुझे बोल रहा है सुबह सुबह चाय बनाओ, तो अभी पहले चाय बनाते हैं सुबह सुबह उठ के। मुझे अभी मैंने मुंह भी नहीं धोया है, तो पहले मुझे चाय बनानी है, पहले चाय बनाते हैं फिर बाद में व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस आमिर भाई आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ भाई, चाय बना रहा हूँ। कौन सा तरीका है भाई, सुबह 7 बजे उठाया, मतलब नहीं 8 बज रहे, मेरे बोल रहे भाई चाय बनाओ हमारे लिए, तो भी चाय बनाते हैं। तीन ही बंदे हैं और कितनी बनाऊंगा, वो कहाँ पे जलाने हैं, जलाना किससे। तो गाइस ये कौन सा जुल्म है, सुबह सुबह चाय बनानी पड़ती। एक ही तीली बल्टी है बाल लिए खत्म, उसके बाद नहीं मिली। ओ मैन हाँ भाई देखा जला लिया। तो अभी यहाँ पे क्या क्या चीजें, सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है। पहले देखो गाइस चाय कैसे बनाते हैं, पहले इसमें जाने वाली है चाय, बाद में जाने वाला है शुगर, शुगर भी डालेंगे बाद में। चाय देखना गाइस क्या चाय बनेगी, जबरदस्त चाय। थोड़ा वेट करते हैं गाइस बाद में। हाँ अभी मैं जा रहा हूँ, पहले मुंह धोता हूँ फ्रेश होके फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। रूम था ये चेकआउट कर लो, रूम भी काफी सही था अपना। रूम क्या पूरा हट्टी बुक किया था, ये सारा हट्टी खाली है अभी, बाद में हाँ सब कुछ दिखाएंगे आपको, काफी मजा आने वाला है गाइस इस व्लॉग में, पूरा देखना। गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो द आमिर फारूक। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फेसबुक फैमिली। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने गुलमर्ग से ही, तो ये चेकआउट कर लो अभी हम कहाँ पे है, अपना फार्म हाउस है जहाँ पे हम राइट नाइट स्टे की थी, बहुत ही अच्छी सर्विस मिली यहाँ पे। बाकी ये चेकआउट कर लो गाइज, यहाँ की लोकेशन कितनी ज़बरदस्त है, ये सामने पूरा गुलमर्ग है। अभी हम अच्छे से यहाँ नहीं घूमे क्योंकि हम कल लेट पहुँचे थे, बस बुक कर दिया था। ये चेक करो भाई यहाँ पे हम 20-30 बंदे रह सकते थे भाई, हाँ 30 बंदे रह रहे हैं वहाँ पे, 3 बंदे, बस 3 बंदे यहाँ पे। 3 रूम थे, वॉशरूम 2-3 थे, किचन सब कुछ अवेलेबल था एंड मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा था गाइज। ये चेकआउट कर लो, ये लोकेशन कितनी सही है, देख रहे हो भाई यहाँ से आप बाहर के नज़ारे देख सकते हो भाई। ये देखो ये इसकी पार्क वार्क है एंड यहाँ से आप पूरा गुलमर्ग देख सकते हो भाई, इन्जॉय कर सकते हो। सो रात को हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बाकी बेंच भाई आपको कैसा मज़ा आया? बहुत मज़ा आया ना भाई। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर मेरे फेसबुक पेज पे तो फॉलो कर देना। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा बाहर, थोड़े वीडियो शीडियो भी लेंगे एंड आपको भी दिखाते हैं। बाकी यहाँ पे खास और ज़्यादा क्या है दानिश, कुछ पता है तुझे? तुझे ज़्यादा है ना पता यहाँ का? गंडोला हाँ, आज हम वहाँ नहीं जाने क्योंकि हमारा जो दूसरा साथी है उसका एग्जाम है। हाँ वहाँ नहीं जाएंगे आज, फिर भी थोड़ा सा दिखाएंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे वहाँ से, नेक्स्ट टाइम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। बाकी अपना भाई है अंदर है तो उसका एग्ज़ाम है, तो हमें अभी निकलना पड़ेगा श्रीनगर जल्दी से। तो अभी हमने यहाँ पे कोई फोटो कोई रील कुछ भी नहीं चढ़ाया, मतलब कुछ भी नहीं उठाया, इसका एग्ज़ाम है तो मूड ख़राब हो रहा है भाई। पहले हमें थोड़े फोटो रील, लेट हो गया, सीधा निकलना है। सो गाइज अभी निकलते हैं यहाँ से। बाकी यहाँ पे देखो भाई अभी उतनी गंद नहीं उठी है, थोड़ा सा नॉर्मल है। सो अभी चलते हैं बाहर, भाई लोग अपनी बाइक ना नीचे है। अंकल स्नेह रहो, हाँ शुक्रिया। यहाँ पे चढ़ाई आप देख सकते हो। सो इसको पहले कोल्ड स्टार्ट मारते हैं, अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। ये देखो भाई अपनी बाइक कोल्ड स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे ना गाइस बहुत ज़्यादा ठंडी है, कोल्ड स्टार्ट तो बनता है, देख रहे हो। अगर सिटी में होती ना गाइस बहुत ज़्यादा साउंड करती, यहाँ पे देखो गाइस कुछ साउंड नहीं कर रही है। गंडोला है ऊपर जो पहाड़ है वहाँ तक जाता है, सो वहाँ पे जाते हैं थोड़ी रील्स एंड वीडियो शूडियो लेते हैं। बाकी ये व्यू देखो गाइस, सुबह सुबह 9 बज रहे हैं अभी, तो कैसी व्यू है। बाकी ये अपने मूवी भाई बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर दिया गाइस, आज पूरा दिन यहाँ पे स्टे करना था। बाकी हमारी राइड अब रहेगी श्रीनगर तक, काफ़ी मज़ा आने वाला है। बाकी हम भाई दोनों आराम से ही चलेंगे। बाकी आप थोड़ा सा यहाँ के नज़ारे देखो भाई, विजिट करना होगा ना तो हमें बोल दो, हम आपको ये हट दिलाएंगे। ये चेकआउट कर लो कार भाई, हॉर्स राइडिंग करनी थी बट क्या करें,
चेकआउट कर, लेट हो रहा है ना अभी, ना लेट हो रहा है ना, वरना हमें हॉर्स राइडिंग करनी थी कंफर्म। सो गाइस ये गुलमर्ग का सबसे महंगा होटल द खैबर, ये चेकआउट कर लो। तो यहाँ पे तूने रूम क्यों नहीं बुक किया था? ये खैबर होटल है, बुक करते है 80, 120, 1,20,000 में दे। गाइस लेट हो रहे तो यहाँ से वापस ही निकलते हैं, देखने दिखाने के लिए हम यहाँ तक आए थे, बाकी चलते हैं वापस। गाइस खलना हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, इसके कारण हम इस वाली लोकेशन पे नहीं आए थे। सो सबसे मेन चीज़ ये है, आप देखो आई लव गुलमर्ग, तो यहाँ पे फोटो शोटो लेंगे एंड व्यू देखो भाई, ये ना व्यू पॉइंट है। अभी गुलमर्ग को करते हैं टाटा, बाय बाय गाइस। ये सामने व्यू आपने देखी कितनी ज़बरदस्त है, तो रील्स यहाँ पे ज़बरदस्त बनी, तो ये मेरे मेंशन आईडी की है, जाके देखना। वैसे तो मैं डालता नहीं रील्स जल्दी, लेट ही डालता हूँ, बट डालता हूँ। बाकी अभी गुलमर्ग को करते हैं टाटा, बाय बाय गुलमर्ग। हम मिस करेंगे गुलमर्ग को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। गाइज ये चेकआउट कर लो हम कितनी हाइट पे है, गुलमर्ग बहुत ज़्यादा हाइट पे है, एंड यहाँ से हमें पूरा डाउन डाउन जाना है। वैसे पहाड़ पे ही है, कितने बड़े पहाड़ हैं, एंड नीचे सिटी बहुत डाउन में है। मैं बोल रहा था ये है व्यू पॉइंट, आप चेकआउट कर लो यहाँ पे, कितनी खतरनाक व्यू है भाई। ये देखो भाई, इसको ना व्यू पॉइंट बोलते हैं, एंड यहाँ से व्यू चेक करो, ये काफ़ी सुंदर है। जैसे हम गुलमर्ग नीचे जाते हैं ना, फिर यहाँ से एक लिंक ऊपर जाता है, ऊपर के साइड वहाँ पे एक मतलब बहुत ही ज़बरदस्त वाला वाटरफॉल है। गाइस ये देखो भाई, क्या ही तबाही सीन है, देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त लोकेशन है। अभी ना ये चेकआउट कर लो, ये वाटरफॉल है, पॉइंट है, तो इसकी रील में दिखाऊंगा बाद में यहाँ पे कितना पानी होता है। अभी क्या सीन है आज ना, आज गर्मी के मौसम में उतना पानी नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा है, ये चेकआउट कर लो, वरना ये पूरा भर के होता है यहाँ से वहाँ तक। फिर काफ़ी सही लगी मुझे भाई, एंड यहाँ पे एक ब्रिज भी है, प्यारा सा फूल है भाई। लोग अभी हम पहुँच गए HMT हाईवे पे, एंड हम ना काफ़ी से ही भगा रहे थे, मतलब उतना भगाया भी नहीं, नॉर्मली चल रहे थे। एक ख़ास जगह जाने वाले, उसको बोलते हैं हरी पर्वत, आपको जिसको पता होगा उसको समझ आया होगा वो कौन सी लोकेशन है और क्या ही ज़बरदस्त व्यू है। तो उधर चलते हैं ना, उधर से ना पूरा श्रीनगर आपको दिखेगा, मतलब जरूर भी डाउन टाउन। हेलो देख रहे हो बच्ची कैसी देख रही है। लोग अभी ना हम पहुंच गए प्रताप पार्क में, यहाँ से हमें एक और अच्छी सी लोकेशन पे जाना है भाई। लोग अभी ना हमें डाउन टाउन में, एंड हमें जाना है हरी पर्वत। बाकी मूवी और दानिश चले गए, उनको ना घर से कॉल्स आई, सो वो निकल गए पता नहीं। सो गाइस अभी मैं बहुत ज़्यादा हाइट पे जा रहा हूँ, गाइस अभी आप चेकआउट कर लो मैं ना किस जंगल में आ गया भाई, देख रहे हो। सो तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, मतलब यहाँ पर कम लोग आते हैं, वैसे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। ये चेकआउट कर लो भाई, यहाँ से ना मतलब इतना जंगल गंदा है ना, यहाँ से पूरा अंधेरा है। अरे गाइस काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। चेकिंग वेकिंग होती है और थोड़ी सी चेकिंग होती है बस, और कुछ नहीं बाकी। अभी गाइस मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अभी मैं चुप करके बैठूँगा, बट ये व्यू आप मिस नहीं करना, पूरा देखना। ये देखो भाई। सो भाई लोग अभी अजान हो रही थी एंड मैं रुक गया था, बाकी ये चेकआउट कर लो, यहाँ से पूरा डल गेट आपको दिखेगा। अभी मुझे और आगे जाना है, बाकी मेरी हालत ख़राब होगी भाई, अकेले चल रहा हूँ, थक गया बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मेरा कैमरा भी डाउन है तो सीन नहीं होना चाहिए, एंड ये कुछ इस तरह की जगह है, एंड यहाँ से आगे जाके ना कुछ अलग ही नज़ारा दिखने को मिलेगा। तो कभी ना आपके लिए मैं यहाँ पे चढ़ गया, ये तो खतरा है, वैसे ये बहुत पुराना है, सर ने बोला यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, सो संभाल के देखना चढ़ना। बाकी ये चेकआउट कर लो भाई, यहाँ से कितना डाउन है, एंड यहाँ से आपको पूरा डाउन टाउन दिखेगा, वो जामिया मस्जिद है भाई, कितनी खूबसूरत दिखती है यहाँ से। वैसे अपना डल गेट है, चेकआउट कर लो, पूरा दिखने वाला है। बाकी यहाँ चलेंगे ना थोड़ा सा, बोलूँगा कुछ नहीं, आप बस इन्जॉय करो। देखो बाकी यहाँ पे मुझे कुछ दोस्त लोग मिले पीछे, उनकी हरकत देखो, वहाँ पे चढ़ गए, मतलब कैसे बनाया है इन्होंने ये सोचना होता है उस टाइम में, कितना पुराना किला है एंड इतनी हाइट पे ऐसा किला बनाना,
भाई बहुत बड़ी बात है। वो देखो मेरे भाई क्या कर रहे हैं। मेरा कैमरा भी डाउन है तो यहाँ से मैं चल नहीं सकता ना, क्योंकि डर भी है गिरने का। थोड़ा सा वहाँ तक चलते हैं भाई। बाकी अजान सुनो भाई, सबसे बेस्ट चीज़ जो है ना अजान। सिस्टम है यहाँ पे देख रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रही है, देखने के लिए शायद होता था। सो भाई लोग अभी हम आए थे हरी पर, आउट कर लो यहाँ से व्यू, क्या ये ज़बरदस्त आ रही है। बाकी यहाँ पे मुझे दो भाई मिल गए। क्या नाम है आपका भाई? आफाक भाई। तो अभी इसी ने मेरी रील्स एंड फोटो ले ली है। दूसरा भाई भी है इसके साथ, वो रहा अपना भाई। बाकी मेरा जो कैमरा है ना वो पूरा डाउन हो रहा है, तो मुझे वीडियो एंड करना पड़ेगा। मैं नहीं करता बट करना पड़ेगा, क्योंकि चेकआउट करो पीछे से। और मैं गाइस यहाँ से डर रहा हूँ, ये देखो यहाँ से अगर नीचे गए ना भाई कुछ नहीं मिलेगा। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मस्त सोस खाते पीते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। बाय बाय।